व्हाट्सअप लविंग पीपल, होप यू आर डूइंग गुड। वेलकम टू द रोशन्स किचन्स ब्लॉग विद द मान सम्मान। लेट्स स्टार्ट द ब्लॉग। सो गाइस, जैसे कि आपने थंबनेल पे ये पढ़ा कि कुछ मन की बात, लिटरली मुझे कुछ मन की बात ही एक्सप्रेस करना है आप लोगों के साथ। लेकिन एक्सप्रेस करने से पहले ये एक छोटा सा वीडियो है, सिनेमेटिक बी रोल जो हमने बनाया है, पहले आप उसको देखें, देन मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ गाइस। जैसे कि कुछ दिन पहले मैं अपने सोशल मीडिया पे ये पोस्ट किया था कि आई एम जस्ट गोइंग टू मेक ए व्लॉग्स रिगार्डिंग झारसुड़ा। झारसुड़ा के अंदर कितने विजिटिंग प्लेस है उसको मैं रिप्रेजेंट करने वाला हूँ। लोग काफी ज्यादा बोलते हैं कि झारसुड़ा के आसपास कहीं भी घूमने वाला जगह नहीं है, कहीं भी विजिटिंग प्लेस नहीं, कहीं भी टूरिस्ट प्लेस नहीं है, इसलिए मैं ये वीडियो व्लॉग बनाऊंगा बोल के बोला था कि झारसुड़ा से स्टार्ट करूंगा एंड धीरे धीरे पहले समलपुर, फिर सुंदरगढ़, फिर राहुल किला, ऐसे नियर बाई स्टेट के पास जाएंगे और वीडियो ब्लॉग बनाएंगे, वहाँ के विजिटिंग प्लेस में आपको दिखाऊंगा बच्चे। सो नेक्स्ट फ्राइडे ही मैं और हमारे जितने सारे राइडर हैं हम लोग मिलकर उलापगढ़ गए थे, जो कि सुंदरगढ़ के ही है और झारसुड़ा डिस्ट्रिक्ट के अंदर ही आता है, और वो काफ़ी ब्यूटीफुल सा प्लेस है। लेकिन जैसे कि उसका रियल व्लॉग मैं बनाने जा रहा था, सारे जितने भी फुटेज जो मेरे ये DSLR के चीप में रहते हैं, मेरा जो चीप है वो करप्ट हो गया एक्चुअली, और जितने भी वीडियो फुटेज से जो भी थे सब कुछ डिलीट हो चुके, एकदम प्रॉपरली सब कुछ डिलीट हो चुका है। मैं काफ़ी ट्राई किया सारे फाइल को रिकवर करने का, इवन कुछ मेरे फ्रेंड्स थे वो मुझे हेल्प किए कि कैसे रिकवर कर सकते हैं, लेकिन उनसे भी कुछ हो नहीं पाया और एक भी वीडियो या फिर एक भी फाइल मुझे नहीं मिल पाया। अंदर से तो काफ़ी तकलीफ हुआ, इतना मेहनत करते हैं एक जगह जाने के लिए। मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है कि टाइम निकालना पड़ता है, एफर्ट्स डालते हैं, मनी एक्सपेंसेस खर्चा लेना पड़ता है, उसके साथ साथ दोस्त लोग भी गए रहते हैं, वो भी अपना टाइम निकाले रहते हैं, वो भी अपने एक्सपेंसेस निकाल के जाते हैं मेरे साथ, और अगर वो वीडियो डिलीट हो जाता है ना, लिटरली काफ़ी ज़्यादा तकलीफ होता है। तो वो तो कोई नहीं, लेकिन मेरे हिसाब से ये है कि लाइफ है, अगर ये गेम होता तो एक बार बॉल आता, एक बार आउट हो गया रहते तो आउट हो गए ही रहते, लेकिन ये लाइफ है, यहाँ पे एक बार बॉल आता है, आउट होने के बाद फिर दूसरा बॉल आता है, उसी तरह से एक बार अपॉर्चुनिटी आता है, अगर आप उसमें फेल हो जाते हैं फिर भी दूसरा अपॉर्चुनिटी आता है, और उसी अपॉर्चुनिटी को लेके हमको साथ आगे बढ़ते रहना चाहिए। जो कि अगर वो वीडियो ब्लॉग डिलीट हो गया, क्या हुआ, मुझे ये कंटेंट बनाने का मुझे मौका मिल गया। लेकिन ये है कि उसका व्लॉग जो है, जब मैं झारसुड़ा का सारे विजिटिंग प्लेस कवर कर लूँगा, उसके बाद लास्ट में वो विजिटिंग प्लेस ज़रूर जाऊँगा और आपके लिए व्लॉग बनाता हूँ। मेरे व्लॉग बनाने पे मेरा एक मेथड ये है कि मैं वैल्यू ऐड करता हूँ। कंटेंट क्रिएटर तो काफ़ी सारे अच्छे हैं जो कि वीडियो बनाते हैं, लेकिन मेरा थॉट थोड़ा सा डिफरेंट वे पे चलता है। मैं लोगों की हार्ट को टच करना चाहता हूँ, उनकी इमोशंस को टच करना चाहता हूँ, इसलिए मैं आजकल जो वीडियो बनाता हूँ उसके लास्ट में कुछ ना कुछ मोटिवेशन थॉट्स डालता हूँ। ये सब चीज़ें है ट्रिगर करना। हम यूट्यूबर जो है, हम सेलिब्रिटी नहीं कहला सकते, हम सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं, हम लोगों को इन्फ्लुएंस करते हैं, लोग हमसे सीखते हैं, हम लोगों से सीखते हैं, हम अपनी थॉट को प्रेजेंट करते हैं, ये काम होता है इन्फ्लुएंसर का। काफ़ी सारे ब्लॉगर्स हैं, उनका थॉट काफ़ी डिफरेंट वे में रहता है, मैं कुछ एक्स्ट्रा करना चाहता हूँ लोगों के लिए, इसलिए मैं वैल्यू ऐड करता हूँ। और मैं वैल्यू ऐड किस तरीके से करता हूँ, मेरी वीडियो में कॉमेडी रहता है, उसमें एक्साइटमेंट रहता है, उसमें इमोशंस रहती हैं, उसमें मोटिवेशन रहती है। जो कि ये चारों चीज लोगों को मिलाने का कोशिश करता है। डिफरेंट वे ऑफ वीडियो मेकिंग है। ये बनाना स्टार्ट किया था झारसुड़ा में, मेरे साथ साथ कई सारे व्लॉगर्स, कई सारे यूट्यूबर्स उस टाइम मोटिवेट हुए थे और बनाना स्टार्ट भी किए थे। तो उनके लिए एक चीज़ ये है कि लोग काफ़ी सारे ये बोलते हैं कि सब्सक्राइबर मैटर करता है, व्यूज़ उतना उसके होने चाहिए, लेकिन मेरे लिए ये मैटर नहीं करता है, क्योंकि मेरे लिए मैं मैटर करता हूँ, मेरे थॉट जो है वो मैटर करता है, और इवन आपके लिए आप जो करते हैं वो मैटर करते हैं, आपके थॉट्स मैटर करते हैं, आपके काम मैटर करता है ना। जैसे कि ठीक है, आपको व्यूज़ कम आ रहे हैं, मैक्सिमम आपको 100 व्यूज़ भी आते हैं आपके वीडियोस पे, ठीक है, तो 100 व्यूज़ कम होते हैं क्या? आप अपने रूम सेटअप पे 100 लोगों को बुला के देखिए ना, तो आप कंट्रोल नहीं कर पाएंगे वो क्राउड को। या फिर कोई भी आप कंटेंट बनाते हैं, वो जो मीडियम है, वो जो वे है, वो काफ़ी लोगों से डिफरेंट है। आप वीडियो कंटिन्यू बनाते रहिए, आपको सब्सक्राइबर से मतलब नहीं रखना है, व्यूज से मतलब नहीं रखना है, आप अपना काम करते रहिए, लोगों के लाइफ में वैल्यू ऐड करते रहिए, धीरे धीरे आप भी इम्प्रूव करते रहेंगे ग्रेजुअली, और लोग आपको पसंद करने लगेंगे। गाइस, आज के लिए तो ये छोटा सा वीडियो व्लॉग था। गाइस, नेक्स्ट टाइम मिलेंगे कोई और इससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग और इससे भी ज़्यादा वैल्यू एडिट करने वाला व्लॉग के साथ। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, अपनों के साथ शेयर कीजिए, अपनों की केयर कीजिए, एंड ऑलवेज रिमेंबर दैट यू आर द बेस्ट वन, और लोगों के लाइफ में वैल्यू ऐड करते रहिए। गाइस, थैंक यू सो मच गाइस।